हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप पोको के किसी भी फोन के अंदर MIUI 14 का जो सुपर फोल्डर और विजिट है कैसे यूज कर सकते हो। तो ये जो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो ट्रिक मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, मेरे पोको M2 Pro के अंदर यूज करके दिखाऊंगा और प्रॉपरली आप फोन के अंदर ये काम करेगा और इसके अंदर कोई भी आपको रूट वगैरह किसी भी PC वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए गाइस सबसे पहले आप अपने फोन के सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन में नीचे आना, यहाँ पर आपको बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन मिलेगा। मोबाइल डिवाइस के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको जो स्क्रीन का पासवर्ड उसको एंटर करना है। तो आपके सामने ये वाला जो ऑप्शन हुआ देखने को मिलेगा, तो जितने भी आपको SMS वगैरह का जो चीज़ है उसको डीसेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अदर एप्स में क्लिक करना है। यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको पोको लॉन्चर देखने को मिलेगा, तो आपको सिंगल इसको सेलेक्ट करना है और बैकअप पे क्लिक कर देना है। तो बेसिकली इसको जो है पोको लॉन्चर को हम बैकअप करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करना है। उसके बाद आप बैक जाना, बैक जाने के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दिया है फोल्डर का, प्रोफाइल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, गूगल ड्राइव का लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको फोल्डर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आप जो है पोको लॉन्चर को 4.0 के अंदर अपडेट कर लेना। तो मैंने ऑलरेडी इसको अपडेट कर लिया। अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपको नोट्स के कुछ एप्लीकेशन मैंने दिए, नोट्स और म्यूजिक का जो एप्लीकेशन उसको शेयर किया है, दोनों को आपको जो है इंस्टॉल करके अपडेट कर लेना है। तो फटाफट जो है दोनों एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करते हैं। अपडेट हो जाने के बाद नीचे आपको एक फोल्डर मिलेगा, इसको सेलेक्ट करना और यहाँ पर आपको 3 डॉट में क्लिक करके इसको कॉपी करना है। आपको जाना होगा MIUI वाले फोल्डर में और यहाँ पर आपको बैकअप का एक ऑप्शन देखने को मिला, इसके अंदर जाना है, ऑल बैकअप के अंदर सेलेक्ट करना इस फोल्डर को और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो बस इसको आप पेस्ट कर लेना और यहाँ आपको अप्लाई टू ऑल फाइल्स रिप्लेस कर देना, यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक कर देना। तो फाइनली आपका काम हो चुका है। उसके बाद जैसे ही आप बैक चाहोगे तो नहीं होगा, तो आपको एक और चीज़ करना होगा। इससे पहले सेटिंग पे जाना, सेटिंग में जाने बाद अबाउट फोन में, उसके बाद आपको फिर से जो है बैकअप एंड रिस्टोर में जाना है, मोबाइल डिवाइस के अंदर जाना है, पासवर्ड जो है और आपको जो फिर से एंटर करना है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना होगा रीस्टोर के अंदर, यहाँ पर जो फाइल हमने बैकअप किया था उसको आपको रीस्टोर कर देना है। तो फाइनली जो हमारा नया फाइल हमने सेट किया था वो रीस्टोर हो जाएगा इसके अंदर से। तो फाइनली गाइस आपका काम हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सुपर फोल्डर देखने को मिलेगा MIUI 14 का जो फीचर है, और प्रॉपरली भाई कितना जो है इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वाला फीचर। तो अभी अगर आप देखते हो तो मैंने कोई भी रूट वगैरह कोई भी PC वगैरह यूज नहीं किया है, लेकिन मेरे फोन के अंदर MIUI 14 का जो है सुपर फोल्डर यहाँ पर शो कर रहा है और कुछ विजिट्स भी यहाँ पर आपको शो होता हुआ देखने को मिलेगा जो कि आप यूज भी कर पाओगे। और यहाँ पर जो भी आपको एप्लीकेशन वगैरह जहाँ तक मिलेंगे तो यहाँ पर आपको इसको सेट कर लेना है और प्रॉपरली इसको आप यूज कर पाओगे। और मैं आपको गाइस ये भी बता दूं कि MIUI 14 का जो अपडेट पोको के डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलेगा उसके अंदर हमें सुपर फोल्डर वाला जो ऑप्शन वन नहीं मिलेगा, Xiaomi के डिवाइसेस के अंदर, ऑनली Redmi के डिवाइसेस के अंदर हमें देखने को मिलेगा, पोको के डिवाइसेस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा सुपर फोल्डर। तो इस तरीके को आप यूज करके जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक है और प्रॉपरली आपके फोन के अंदर ये काम भी करेगा। मेरा पोको M2 Pro है, MIUI 13 एंड्रॉइड 12 पे ये अपडेटेड है, फिर भी मेरे पोको M2 Pro के अंदर ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो वैसे ही था आपके लिए वीडियो। चैनल पर सब्सक्राइब कर दें ऐसे मोर अपडेट्स के लिए और ट्रिक्स के लिए, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।